हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। एंड अभी मैं पूजो नीचे को कर जरा नीचे और नीचे डाउन, यस इसके ऊपर खड़ी हूँ। इसका नाम है, इसको बोला जाता है किल्टा। एंड अभी बहुत सारे हमारे बीन्स हुए हैं, ये बेल मतलब ये हमने इस बार अलग टाइप के बीन बीजे हैं, है ना। सो इसकी ना बेले जाती है पेड़ों को और ऐसी फील लगती है। ये देखो कितने सारे हैं, बहुत ही सारे। मैं आपको खुद ही दिखाती हूँ, मेरी बहन की आई थिंक प्रॉपर वे में नहीं पकड़ा जा रहा है फोन, ये है। ओह माय गॉड, ऐसा हो गया था बीच में, मुझे पता नहीं चला। ये देखो ये मैं निकाल रही हूँ, ऐसे मुझे दोनों हाथ से निकालने पड़ेंगे। एक हाथ से निकालूंगी तो मुझे गालियां पड़ेगी, इसीलिए मैं अभी ये निकालती हूँ। पूजू मेरी एक छोटी सी क्लिप बनाएगी एंड क्यूट। मैं आजकल बहुत ही एक्स्ट्रा हो रही हूँ। गाइज अब पूजू के पास वापस फोन देती हूँ। पूजू एक वीडियो बनाना मेरी मस्त वाली है, तेरी शक्ल आ रही बहुत अच्छी। हाँ रुक जाओ, इस साइड को नहीं आएगी अच्छी वीडियो। हाँ आ जाएगी, अब आप बोल सकते हो। मैंने क्या बोलना, अच्छी बीन है। हाँ ऐसा बोल सकते हो कि मैं पेट से निकाल रहा हूँ बीन। पेट से नहीं चलेगा। देखो ऐसी बीन है हमारे पास, ये वैरायटी है हमारे पास, क्वालिटी की बीन है। अब आ गई हूँ मैं भी खेत, हम गए थे घास लाने वहाँ पर दूसरी जगह और अब आ गए हम यहाँ पर बीन चुनने जहाँ पर। अब दिखाती हूँ आपको, इतने अच्छे अच्छे बीन्स हैं। ये मेरे चाचू आए हैं हमारे साथ काम करने, हाँ बीन चुनने। तो मैं और प्रीति अभी ब्लॉग भी शूट कर रहे साथ साथ में, क्योंकि दोनों चीजें होनी चाहिए, काम भी होना चाहिए और काम होना कम हो। गाइस मुझे लगता है कि आपने ऐसे पेड़ कहीं देखे होंगे जैसे यहाँ पर लगी है। सो गाइज अभी मैंने उठा दिया है किल्टा, ये देख सकते हो आप बीन इसमें है। एंड अभी घर तक ले जाना है, बहुत ही बड़ी चढ़ाई भी ऐसी चढ़नी पड़ती है हमारे को, पर हमारे को आदत है गांव वाले लोगों को। हाँ जी, अच्छा ठीक है। और गाइज इतने जोर जोर से आवाज लगाना गांव में बिल्कुल नॉर्मल है। बाहर कॉल करते हैं ना, बट यहाँ पे कॉल वगैरह कुछ नहीं करते। बीन बहुत ही ज्यादा फ्रेश है। सो अभी मैंने और भाभी भी सही दे हम दोनों ने जाना है, आप कर सकते हो हेलो। सो हम दोनों अभी बने हैं ऐसे, तो हमने अभी जाना है, फिर हमने रखने है, फिर दोबारा वापिस आना हमने। तो हमारी ये ड्यूटी है ना भाभी जी। गाइस अब जा रहे हैं हम घर लंच करने। ये देखो आपको दिख रहा होगा प्रिया दीदी किल्ला लेके आ रही हैं। या प्रिया दीदी कैसा महसूस हो रहा आपको? इतना बुरा। मतलब कि गांव की जो लाइफ है ना, इतनी इतनी काम वाली होती है कि अगर कोई शहर की बंदी आ गई ना, उसके नहीं चला यहाँ हो सरवाइव भाई। ये चीज है, अब देखो यहाँ हेलो परी, हेलो करो हेलो, करो हेलो, छोटे बच्चे। ये ले जा रही है अपनी आमा को खेत के में खाना। सोचो गाइस ऐसी होती है हम पहाड़ों की लाइफ कि खेत में ही खाना भी खाते हैं ना परी। हाँ जी बाय। देखो गाइस छोटे बच्चे लेके जा रहे हैं लंच और हमें भी जाना है ऊपर लंच करने घर। ये देखो प्रिया दीदी, ये कट नहीं होगी, ये दिव्या की एक्टिंग है, सबसे लास्ट नंबर वाली बहन है मेरी। एंड अभी हम खाना वगैरह खाएंगे। यस गाइस, यो गाइस, यो
प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ढेर सारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइज अब पहुंच चुके हैं हम घर, अब करेंगे हम लंच। खाने में पता नहीं क्या बना होगा, सुबह तो क्या था, राजमा की दाल बनी थी शायद, अभी भी सब राजमा ही है। वो देखो आज नहीं आएगी बुआ, कल आएगी बुआ। अच्छा संदेश पत्ता। हाँ जी, ये देखो गाइस, ये देखो गाइस हम निकाल रहे हैं, टूट गई। बचपन में ना हम इसकी मूछ लगाते थे जब हम छोटे छोटे थे, अब खाएंगे हम इनको गाइस। मेरी मूछों को लिमाकी बंद करो गाइस। अब कर दिया हमने घास। गाइस मैंने लगाए दो पुले और इन्होंने लगाए तीन पुले, और घास क्या सारा प्रिया दीदी ने। अब जाएंगे हम इसको ऊपर रखने खुड के पास। खुड बोला जाता है हमारे जहाँ पे गाय वगैरह रखा जाते हैं हमारे, उसको बोला जाता है खुड। सो अभी कितना, मतलब कि आई थिंक 6 तो बज ही गए हैं, 6 बजे हम अभी खेत में हैं। कितने बीन के कितने किल्टे की हमने, कम से कम 5 के साथ 6-7 होंगे, 6-7 हमने बीन के किल्टे के, मतलब आई थिंक हमारे आज 2 बोरी होंगी। 2 बोरी मीन्स 1 बोरी 50 किलो की होती है, पता नहीं। 1 बोरी आई थिंक 50 केजी की होती है, तो वो हमने 2 की आई थिंक हमारे क्विंटल 100 केजी आज बीन होंगे मे बी। सो अभी हम चलते हैं, ऐसे भारी लगाए जाते हैं गाइस, इतने भारी। गाइस हमने गाय रखी है, इन्होंने कितनी रखी है, एक और हमारी है तीन, दो छोटी उसकी बच्ची है और एक गाय। हाँ सो गाइस उनके लिए ऐसे बाहर ले जाने पड़ते हैं, क्या करें, पहाड़ों में और गांव में काम प्रीति करना ही करता है, और बहुत ज्यादा तो होता ही है ना प्रीति। हाँ जी हाँ जी। सो इस ब्लॉग को हम दोनों यहीं पे एंड कर रहे हैं, आई होप। अच्छा ऊपर करना, अभी प्रीति बोली की ऊपर करेंगे, अच्छे से मिलेंगे। सो अभी हम चलते हैं घर की ओर, पूजो चलो कर। सो गाइस अभी हम फाइनली कट कट कट।